Novel vaccines. As we have seen that the immunization or vaccination is an, an a process by which there is an, an a providing of protection against certain damaging pathogen. For that particular purposes, we have just used certain substances or molecules which are called as vaccines. So. जब वैक्सीन्स की बात करते हैं तो वी हैव जस्ट डिसकर्स डेट देयर आर टू डिफरेंट वराइटी ऑफ द वैक्सीन्स आर बींग देयर द फर्स्ट वन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स एंड द सेकेंड इज द पैसिव फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर और देयर यू कैन से रेट मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉजिंग इम्यूनाइजेशन बट there are certain novel vaccines are being there novel vaccines that means that which are very innovative means most of the time we can say that these are newly developed ideas in order to use the different components or you can say that different molecules which can be used as a vaccines that's why these are called as novel vaccines now the novel vaccines these are the innovative or the novel ways of designing vaccines means irrespective of the conventional ways that means that the active or the passive immunization it is a very novel or it is a very uh, unique idea of designing new vaccines for providing protection because Mm, jo, previous ideas hai, like active or passive immunization they have certain uh, constraints uh, for which we can compromise the host immune system most of the time that's why these are the novel ways for designing vaccine so that those constraints can be addressed for that particular purpose the first important constraint regarding the vaccination or vaccines the toxicity मीन्स जब वैक्सीन्स हम यूज़ करते हैं होस्ट में या इंडिविजुअल्स में सो इट कैन इट हैज़ दी पोटेंशियल ऑफ कॉजिंग टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी से क्या मुराद है टॉक्सिसिटी से मुराद है कि अगर फॉर एग्जांपल वी आर जस्ट यूजिंग द लाइव ऑर्गेनिज्म और लाइव अटेनोट ऑर्गेनिज्म सो इफ देयर आर सर्टेन वेज डैट के वो लाइव अटेनोटिड ऑर्गेनिज्म रीगेन कर ले अपनी विरोलेंस को तो वो उस होस्ट में जहाँ उसे यूज़ किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन इट कैन बी हार्मफुल इट कैन बी डेंजरस और इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी। सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट द पैसिव वैक्सीनेशन सो पैसिव वैक्सीनेशन में वी हैव जस्ट टू यूज द एंटीबॉडीज सो दोज एंटीबॉडीज दे आर बीग रेज इन डिफरेंट अदर एनिमल्स और मोस्ट ऑफ द टाइम इन अदर इंडिविजुअल्स सो दोज एंटीबॉडीज कैन बी हाइट्रोलोगस और कैन बी होमोलोगस हमने इसको डिस्कस किया था कि होमोलोगस एंटीबॉडीज वो हैं जो एक ही तरह की स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म से उसी ही तरह की स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस की जाए फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन में कोई डिजीज़ है और ह्यूमन के सीरम से एंटीबॉडीज़ रिकवर करके किसी दूसरे इंडिविजुअल किसी दूसरे ह्यूमन में उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो इट वुड बी कॉल्ड एज होमोलोगस एंटीबॉडी अच्छा अब जब इस प्रोसेस में हम एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र करेंगे तो इफ़ देयर इज अर एनपॉसिबिलिटी और पोटेंशियल कि अगर वो वो इंडिविजुअल जहाँ से एंटीबॉडीज़ ली जा रही हैं ही और ही सफरिंग फ्राम सर्टन वायरल इन्फेक्शन लाइक हैपाटाइटिस और एच आई वी सो दोज कैन बी दोर्स ऑफ ट्रांसमिटिंग सच काइंड ऑफ डिजीजेज सो दिस इज़ एन अदर इंपॉर्टेंट कंसटेंट और टॉक्सिसिटी फॉर कॉजिंग ऑन दी अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट दी हेट्रोलोगस एंटीबॉडीज़ जो कि दूसरी स्पीशीज में डेवलप की जाती हैं जैसे एनिमल्स जैसे रेबिट है माउस uh, है और हॉर्स और दिज आर बींग यूज इन ऑर्डर टू डिवेलप द एंटीबॉडीज और अगर उसको ह्यूमन्स में यूज़ किया जाए तो इट कैन कॉज सर्टन इम्यून रिएक्शन्स क्योंकि दोज आर नॉट होमोलोग दोज आर हेट्रोलोगट्स वाई द इम्यून रिएक्शन्स कैन भी देयर और टॉक्सिसटी वुड भी देयर So that's why that there is a uh, dire need to develop or design the vaccines which has very least toxicity. So the novel vaccines has this plus point or advantage that it has novel and they have less toxicity. Okay, they can provoke the humoral as well as cell-mediated immunity because.

इम्यून सिस्टम के आर्म्स को एट अ सेम टाइम एक्टिवेट कर दें तो डेट इम्यून रिस्पॉन्स वुड बी एग्रीविएटेड और मोर प्रोटेक्टिव क्योंकि एंटीबॉडीज़ भी होंगी और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी होगा और अगर फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेन है तो एंटीबॉडीज़ दे विल परफॉर्म देयर फंक्शन और अगर ऑर्गेनिज्म इंट्रा सेलुलर है तो इट cell mediated immunity come into action and they would provide the protection they provide the immunization for that particular purpose so that is very important advantage of using such kind of novel vaccines okay right now the status of the novel vaccines they are being used experimentally experimentally means they are in certain trials experimentations they are going on and most of the time they are not being ready to use as a clinically in the individuals or the humans so that's why they are experimentally used and they are showing to some extent their efficacy so if we talk about that these vaccines they would be available they would be available for clinical use in very near future because now Due to the toxicity problems or the other con constraints, the active or the passive immunization, they are just going to replace by such kind of novel ways. So, when experimentation states say complete, okay, jab whenever the efficacy of such kind of vaccines would be, uh, you can say that authenticated, they would be available clinical use for in near future. Now, if we talk about the novel vaccines, so there are different.

कि जो वायरल पैप्टाइड्स हैं जो जिन्हें क्लोन किया गया है उनके जो जीन्स हैं उनको क्लोन करके उनका एक्सप्रेशन लेके उन पेप्टाइड्स को प्योरीफाई किया गया है और दोज पेप्टाइड्स दे आर गोइंग टू ट्रांसफेक्टेड इन टू होस्ट सेल के होस्ट सेल के अंदर उन्हें डायरेक्टली ट्रांसफेक्ट किया जाए ट्रांसफेक्शन से मुराद ये है कि उनको होस्ट सेल के अंदर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जाए यूजिंग डिफरेंट वेज वो केमिकली भी हो सकता है इलेक्ट्रोप्रोशन के थ्रू भी हो सकता है मीन्स डैट इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन साइड द होस्ट सेल्स जब वो होस्ट सेल में जाएंगी तो देयर वुड बी द जनरेशन ऑफ द हीमोरल एंड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स लाइक लाइव डेनोटेड वैक्सीन्स कि ये डीएनए एन वैक्सीन्स जो कि वायरल ओरिजन है वायरल पैप्टाइड्स हैं या यू कैन से डैट विच आर यूजिंग एज अ डी एन ए वैक्सीन्स दीज वुड हैव ना Uh, ability to cause the activation of humoral as well as cell mediated immunity so particularly for hiv the dna vaccines that means that anti-hiv dna vaccines means ke jo hiv ke against the vaccines jo experimental stage may have those are being used in order to provide protection against HIV, but as I have just told already that right now these vaccines are in experimental state. That's why we can say that there is no as such efficiency or efficacy in the experimentally. We are not being able to do it, but the experimentation is going on. So in near future, maybe these anti uh, or you can say HIV DNA vaccines in different forms, they would be uh, very effective in order to provide protection against HIV infections. Okay, next, the second important type of the novel vaccine is the immunodominant peptides. Immunodominant peptide as the name suggests, that means SA peptides and immunologically they are डोमिनट कि वो डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को क्या करेंगे एक्टिवेट करेंगे डैट्स वाई दे आर इम्यूनो इम्यूनोडोमिनट सो वाट आर दिज दिज आर वेरी सिंपल एंड ईजी वे टू प्रपेयर द इम्यूनो इम्यूनोडोमिनट पैप्टाइड्स मीन्स ऑर्गेनिजम्स की यू कैन वी टॉक अबाउट डेट के जो पैप्टाइड्स हैं अगर एज आई एव सीन डैट जो कि पैप्टाइड जो प्रोटीन्स हैं जो प्रोटीन्स जो कि बेसिकली टी डिपेंडेंट एंटीजेंस हैं और टी डिपेंडेंट एंटीजेंस को टी सेल्स की ज़रूरत है फॉर एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम तो जब टी सेल्स की उन्हें ज़रूरत होगी तो टी सेल्स को उन्हें प्रेजेंट करने के लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की ज़रूरत होगी और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उनको प्रोसेस करने के बाद एम एच सी कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच करके टी सेल्स को प्रजेंट करेंगे तो अगर उन पेप्टाइड्स और उन प्रोटीन्स को अगर हम बजाय इसके के एज सच बॉडी में एंटर करें अगर हम उनकी इनकॉर्पोरेशन कर दें ऑलरेडी विद एम एच सी मेजर हिस्टोकॉम्पटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स तो डैट कॉम्प्लेक्स इट विल मेक द इम्यूनोडोमिनेंट पैप्टाइड्स के

ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो कि पोलीसेक्राइड एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट यूज़ हो रही हैं के मीन्स के एंटी टाइप्स का मतलब है कि अगर समटाइम्स वी कैन से डेट अगर बॉडी में सेल्फ टिश्यू के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएं तो वो सेल्फ टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं और ऑटो इम्यूनिटी कॉज करती हैं अगर हम उन एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइज कर दें एक और एंटीबॉडी यूज़ करके डेट वुड बी कॉल्ड एज एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडी तो वो जो सेल्फ़ टिश्यू को डैमेज करने जा रही है एंटीबॉडी उसको अगर एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडी यूज़ करके मास्क कर दिया जाए न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाए तो डेट वुड नॉट बी अवेलेबल टू डैमेज द सेल्फ़ टिश्यू that's why we can say that these kind of antibodies they are very very helpful for providing protection against such kind of antibodies which are against the self tissue so this is another important novel way of designing the vaccines or protection against such kind of diseases